फ्लोरिस वाल्डो दी ओलिवेरा, जिसको कैबो ब्रूनो नाम से भी जाना जाता है, एक ब्राजीलियन मिलिट्री पुलिस ऑफिसर और दुर्दांत सीरियल किलर था। 1980 में उसे साओ पोलो स्टेट में 50 से ज़्यादा हत्या के लिए दोषी माना गया। उसे ब्राजीलियन पुलिस के इतिहास में अब तक का सबसे कॉन्ट्रोवर्सियल कैरेक्टर माना है, क्योंकि उसने पहले तो अपने गुनाहों को कबूल किया मगर कोर्ट में जाके हॉस्टाइल हो गया। उसने कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। ओलिवेरा का जन्म उचाओ शहर में हुआ था। जहाँ वो रहता था उसी मोहल्ले में एक शराबी भी रहता था जिसका नाम ब्रूनो था। बचपन के दोस्तों ने उसको चिढ़ाने के लिए उसका नाम कैबो ब्रूनो रख दिया। उसकी माँ भी उसको अनजाने में इसी नाम से बुलाने लगी। हम भी उसे कहानी में ब्रूनो नाम से ही संबोधित करें। ब्रूनो एक विजिलेंट इंसान के तौर पर जाना जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को जस्टिस दिलाने के लिए हत्याएं करता है। वो आमतौर पर हत्याएं शहर के बाहरी इलाकों में ही करता है। कहते हैं जब भी वो अपने पुलिस ऑफिसर के काम से फ्री होता उसका दूसरा काम चालू हो जाता है। उसने कई बेगुनाहों का कत्ल किया। उसके शहर के लोग उसके समय को याद करते हुए कहते हैं कि वो समय बहुत डरावना था। सब डरे सहमे रहते थे कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं, खास तौर पर व्यापारी लोग, क्योंकि व्यापारी उसके निशाने पे पहले आते थे। जोस अप्रेंडिसो नाम का एकमात्र इंसान था जो उसके हमले से बच गया था। हुआ कुछ यूं कि किसी बात पे ब्रूनो ने जोस को गोली मारी थी। गोली लगने के बाद जोस ने नाटक किया कि वो मर चुका है, जिसको सच मान ब्रूनो ने नज़दीक से जाके चेक नहीं किया और उसके जाते ही जोस वहाँ से भाग गया। ब्रूनो का खौफ इतना था कि पूरे ब्राज़ील में सिर्फ उसी की बात हो रही थी। सब डरे हुए रहते थे। मीडिया ने उसे फ्रंट पेज खबर बना दिया था, खास तौर पर काको ब्रासुलास ने, जो कि वहाँ के बहुत प्रसिद्ध क्राइम रिपोर्टर थे। ब्रूनो के कुख्यात होने का कारण भी था। 1982 में कई ऐसी लाशें मिली जिन्हें ब्रूनो ने मारा था। सभी लाशों को गोलियों से छन्नी कर रखा था। इतनी बेदर्दी से गोली मारी थी कि कई लाशों के तो हिस्से भी नहीं मिले थे। अनगिनत निरसन हत्याओं के बाद अंततः उसे 22 सितंबर 1983 में कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर उस वक्त 20 हत्याओं का केस चला, लेकिन उसने सिर्फ एक में गुनाह कबूल किया। लेकिन उसके खिलाफ कई लोगों ने गवाही दी और अंत में जाके उस पर 50 से ज़्यादा लोगों को मारने का केस चला और उसे दोषी माना गया और उसे 113 साल जेल की सज़ा सुनाई थी। उसने जेल से 3 बार भागने की कोशिश की जिसमें वो सफल नहीं हो सका, जिसके बाद उसने भागने का प्रयास बंद कर दिया। 27 साल जेल में काटने के बाद उसे अच्छे व्यवहार के कारण 22 अगस्त 2012 को जेल से रिहा कर दिया गया। 26 सितंबर 2012 को जेल से छूटने के ठीक एक महीने बाद रात करीब 11:30 बजे के आसपास, जब वो एक धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसे गोली से भून लिया। कहते हैं करीब 18 से 20 राउंड गोलियां उसे मारी गई थी। चश्मदीदों के मुताबिक 2 लोग थे जो पैदल आए थे और उस पर अंधाधुंध गोली चलाने के बाद चले गए। ब्रूनो की मौके वारदात पर मृत्यु हो गई, जिस कारण उसे हॉस्पिटल भी नहीं ले जाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें ईमेल करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर। धन्यवाद।